इस किसान आंदोलन के लिए अगर केजरीवाल की जान भी चली जाए, बीजेपी वाले संसद में खुलेआम बोल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आंसू गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठी चार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। बीजेपी के केंद्र सरकार और इनकी सारी सरकारें मिलके 5 साल में जितना काम नहीं कर पाई, भाई साहब चैलेंज करता हूं, अकेले हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया। 70 में से एक बारी 67 सीट दी, उस सरकार की कोई पावर नहीं और तुम्हारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सारी पावर। ठाडे रहना, चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सारे जने, पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को अपने भाई, अपने बेटे का नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं उन 300 से ज्यादा शहीदों को नमन करता हूं। अभी हमने उनको यहां पे श्रद्धांजलि दी, लेकिन पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अब अंत तक लड़ना है, लड़ोगे? अंत तक लड़ना है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अभी पता चला कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया, यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी, और आज पूरे हरियाणा में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं। मैं अभी जब आया, मेरे को भी काफी टाइम लग गया, कई जगह से मेरे को घूम के आना पड़ा, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अभी मेरे को पता चला है कई सारी बसें, कई सारे लोग जो आज यहां सभा में आना चाहते थे वो जगह जगह चक्का जाम में फंसे हुए हैं। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हमें अब ये सभा शुरू करनी पड़ी, नहीं तो कई लोग जो 11 बजे के आके बैठे हैं उनको भी वापस जाना था। मैं तो आज आप ही के लिए आया था, आप कहते तो पूरा दिन भी रुक जाता उनके लिए, लेकिन मेरे को पता चला कि कुछ लोग अब जाने लग गए, तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करते हैं। उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं जो लोग जाम में फंसे हुए हैं और
अभी पहुंचने में असमर्थ हैं। दोस्तों, जब से जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून पास करे, पूरे देश के किसान दुखी हो गए, पूरे देश के। लेकिन सारे किसान ये सोच रहे थे कि कौन आगे बढ़ के संघर्ष करे, कौन आगे बढ़ के इसका बीड़ा उठाए। तब पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आगे बढ़ के पूरे देश के किसानों का नेतृत्व किया। अभी थोड़े दिन पहले मैं पंजाब होके आया, पंजाब में भी किसान महापंचायत करी, पंजाब के किसानों का धन्यवाद करके आया। आज मैं हरियाणा में आया हूं, हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने नेतृत्व करके इस पूरे किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया और देश के सारे किसानों की आवाज बुलंद की आप लोगों ने इन तीनों कानून, काले कानूनों के खिलाफ। सारा देश आपके साथ है, ये मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं चिंता मत करना, कोई कुछ भी कहे चिंता मत करना, मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुआ हूं। सारा देश आपके साथ है, सारे देश के किसान आपके साथ हैं। हो सकता है गुजरात का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, हो सकता है तमिलनाडु का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, हो सकता है असम का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुंच पाए, पर यह मत सोचना कि वो किसान आपके साथ नहीं है। रोज सवेरे इस देश का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान के लिए प्रार्थना करता है, दुआ करता है कि हमारे संघर्ष में हमारा ये संघर्ष सफल होना चाहिए। सारे देश का किसान अपने साथ है, सारे देश का किसान आपके साथ है दोस्तों। और जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है, पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है। कदम से कदम मिला के हम लोगों ने साथ दिया है। मेरे को याद है जब किसानों ने, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था, दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े, जगह जगह बैरियर लगा दिए, उनके ऊपर लाठी चार्ज करा। लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो, सरकारों के बुलडोजर पार करते हुए, आंसू गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठी चार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। तब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने एक षड्यंत्र रचा, केंद्र सरकार ने षड्यंत्र बनाया, चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली, जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के नौ बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं, और जैसे ही ये किसान दिल्ली में पहुंचेंगे इन सारे किसानों को उठा के स्टेडियम में बंद कर देंगे, फिर बैठे रहना वहीं स्टेडियम में बैठ के करते रहना अपना संघर्ष। ये केंद्र सरकार ने षड्यंत्र रचा। पर भाई साहब अपनी किस्मत अच्छी थी, कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास, और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। इतना प्रेशर डाला इन्होंने, केंद्र वालों ने इतना प्रेशर डाला कि ये जेल बना दो, जेल बनाना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी। मैंने फाइल पे लिख दिया
कि किसानों का आंदोलन सही है, किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे तुरंत मानी जाएं, और दिल्ली पुलिस का यह प्रस्ताव कि दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाए जाएं, यह प्रस्ताव खारिज किया जाता है और मैंने फाइल उनकी वापस भेज दी। भाई साहब इतना नाराज हुए, ये इतना नाराज हुए मेरे से, इतना गुस्सा हुए, आग बबूला हो गए केंद्र सरकार बीजेपी वाले। फिर मैंने अपने सारे विधायकों को बोला, अपने सारे सांसदों को कि बॉर्डर पे जाओ, किसान बैठे हैं, उनकी जाके सेवा करो, आम आदमी की तरह, आम आदमी की तरह जाना, टोपी पहन के मत जाना, झंडा लेके मत जाना, केजरीवाल का नाम मत लेना, आम आदमी पार्टी का नाम मत लेना, अपने को राजनीति नहीं करनी, बॉर्डर पे जाओ, किसानों की सेवा करो। हमने लंगर लगवाए, दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का इंतजाम करा, टॉयलेट का इंतजाम करा। एक दिन कुछ किसान भाई आए मेरे पास, बोले जी वहां पे सिग्नल कमजोर है, घर पे बात नहीं हो पाती, गांव में बात नहीं हो पाती। हमने सरकार की तरफ से वहां पे वाईफाई का भी, फ्री वाईफाई का इंतजाम कर दिया वहां पे बॉर्डर के ऊपर। जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में था, सब कुछ करा जी। और जिस दिन राकेश टिकैत भाई साहब के साथ वो हादसा हुआ, जिस दिन राकेश टिकैत, 28 तारीख थी मेरे ख्याल से, 28 या 29 जनवरी की शाम थी, मैंने टीवी खोला, मैंने देखा राकेश टिकैत भाई साहब, उनकी आंखों में आंसू है, वो टीवी पे रो रहे थे। मेरे से रहा नहीं गया, पहले संजय सिंह जी को मैंने कहा, संजय सिंह ने उनको फोन करा, फिर मैंने राकेश टिकैत जी को फोन करा, मेरी उनसे फोन पे सीधी बात हुई। मैंने राकेश टिकैत जी को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप दिल कमजोर करोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, आप अपना दिल ठाडा करो, आप अपना दिल कमजोर मत करो, हम सारे आपके साथ हैं, सारा देश आपके साथ है, बताओ आपको क्या चाहिए। बोले जी ये योगी सरकार ने हमारी बिजली बंद कर दी, योगी सरकार ने हमारा पानी बंद कर दिया, योगी सरकार ने हमारे टॉयलेट बंद कर दिए। मैंने कहा चिंता मत करो, एक घंटा दो, एक घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली से। एक घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है, अभी भी वो कुछ नहीं कर पाए, इसी वजह से वो इतने परेशान हो रहे हैं मेरे से, इसी वजह से इतने नाराज हो रहे हैं। और अब वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए हैं केजरीवाल को सजा देने के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। भाई साहब इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश आजाद होएगा, जनता की ताकत होएगी, जनता वोट डालेगी, वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी, सरकार जनता के लिए काम करेगी। अरे ये कैसा कानून कि जिस सरकार को जनता ने 70 में से 62 सीट दी, 70 में से 67 सीट दी, उस सरकार की कोई पावर नहीं और तुम्हारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सारी पावर। संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी, सुशील गुप्ता जी वहीं बैठे थे संसद में, बीजेपी के एक एक सांसद ने खड़े होकर बोला केजरीवाल ने किसानों का समर्थन किया था इसलिए केजरीवाल को सजा दे रहे हैं हम लोग। सुन लेना आप YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया पे सुन लेना इनके बीजेपी वालों के भाषण। बीजेपी वाले संसद में खुलेआम बोल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों का समर्थन क्यों करा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन का समर्थन करा
इसलिए केजरीवाल को यह सजा दी जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे 300 किसान भाइयों ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी इस किसान आंदोलन के लिए। अगर केजरीवाल की जान भी चली जाए आपकी किसी सजा से नहीं डरते हम लोग। आज ये जो किसान आंदोलन है, हर भारतवासी का फर्ज है, हर देशभक्त का फर्ज है। जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूं उसका फर्ज है कि किसान आंदोलन का साथ दे। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अभी परसों में सुशील गुप्ता जी से मेरी फोन पे बात हो रही थी, इन्होंने बताया जी गांव गांव में जा रहे हैं इसकी तैयारी, आज इस महापंचायत की तैयारी करने के लिए। बोले जी गांव गांव के अंदर किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे, और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला बुला के अपने घर में उनको दूध पिलाते हैं। जिन गांव के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है, जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, वहां पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इज्जत बख्शी जा रही है। पूरे देश के अंदर आज सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है। अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है। मेरे लिए यह सबसे खुशी की बात है, मेरे लिए यह बड़े सम्मान की बात है। इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए कि आज किसान मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, आज किसान मेरे को अपना बेटा मानते हैं, आज किसान मेरे अंदर अपना हितैषी देखते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती दोस्तों। इसकी जो सजा देना चाहती है केंद्र सरकार मेरे को सजा दे, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। हम लोग राजनीति में आए थे जनता की सेवा करने के लिए, हम लोग राजनीति में आए हैं देश की सेवा करने के लिए। 6 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते हुए, 6 साल में आप लोग भी जानते हो कि खूब काम किए हैं दिल्ली के अंदर, स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, दिल्ली में बिजली मुफ्त हो रही है, पानी मुफ्त हो रहा है, महिलाओं की बसों का में किराया नहीं लगता, औरत अगर महिला बस में सफर करे उसका किराया नहीं लगता, खूब सड़कें बन रही हैं, खूब विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर। आप तो जाते रहते हो दिल्ली, आपको पता होगा। और इन 6 साल में जब हम लोग दिल्ली का विकास कर रहे थे, बीजेपी वाले हर 6-7 महीने में कुछ ना कुछ हड़ंगा अड़ा के हमारी शक्तियां छीनते रहते हैं, शक्तियां छीनते रहते हैं। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास तो खूब शक्तियां हो गई, अब बीजेपी तो इस देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। केंद्र में भी उनकी सरकार, कितने सारे राज्यों में भी उनकी सरकार, इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिए, बीजेपी ने पूरे देश में मिलकर एक स्कूल नहीं बनवाया, एक कॉलेज नहीं बनवाया, एक अस्पताल नहीं बनवाया। बता दो जी, बनवाया हो तो? आप इतने जने आ रहे हो पूरे हरियाणा के कोने कोने से, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई स्कूल बनवाया हो? इन्होंने बंद जरूर करा दिया, कई स्कूल बंद करा दिए इन्होंने, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? एक स्कूल नहीं बना। इतनी शक्तियां इनके पास, अपार शक्तियां, अपार साधन इनके पास, इतनी शक्तियों, इतनी और इतनी सारी शक्तियां इन्होंने मेरी भी छीन ली,
फिर भी इनसे एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। मैं इनको कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती, नीयत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास शक्तियां तो बहुत है, तुम्हारी नीयत खराब है। केजरीवाल के पास शक्तियां नहीं है, हमारी नीयत साफ है। तुम हमारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो, ये दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अस्पताल बने थे और बनते रहेंगे। जितना काम ये बीजेपी के केंद्र सरकार और इनकी सारी सरकारें मिलके 5 साल में जितना काम नहीं कर पाई, भाई साहब चैलेंज करता हूं, अकेले हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया उतना काम। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल है, उसने कुछ काम करा? किसी से पूछ लो, बताएगा हां जी स्कूल तो ठीक कर दिया, कहेगा कि नहीं कहेगा? आप कहीं चले जाओ पूर्वी भारत में, नागालैंड चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बिहार चले जाओ, किसी से आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल ने उसने कुछ काम करा? कहेगा हां जी अस्पताल तो ठीक कर दिया। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, पूछो भाई साहब केजरीवाल ने कुछ काम करेगा? कहेगा हां जी बिजली फ्री कर दी उसने। आप गुजरात चले जाओ, पूछो केजरीवाल ने कुछ काम करा? बोला जी पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया। और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा 5 साल में? कहेंगे जी उन्होंने किसान बर्बाद कर दिए, व्यापारी बर्बाद कर दिए, यूथ बर्बाद कर दिया, युवा बर्बाद कर दिए, सबको बर्बाद करने के सिवा। भाई साहब इतने सारे आदमी बैठे हैं, अगर बीजेपी ने एक काम कराओ 5 साल में, इतनी शक्तियां, इतने एक काम कराओ, मेरे को बता देना जी कोई एक काम कराओ 5 साल में, कोई एक काम इन्होंने कराओ ढंग का। तो भाई साहब इनके पास शक्तियां तो बहुत है, नीयत खराब है। इन 75 साल में इस देश पे दो ही पार्टियों ने राज करा, बीजेपी और कांग्रेस, दो ही पार्टियों ने राज करा 75 साल में। आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं तो 75 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों नहीं किए? आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो सकती है, फ्री मिल सकती है बिजली, भाई साहब दिल्ली में हर आदमी की बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे कर दी, दिल्ली में अगर बिजली फ्री हो सकती है, 24 घंटे हो सकती है, तो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों बताओ तुमने 75 साल में क्यों नहीं करी? दिल्ली की जनता पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, इनको जवाब देने पड़ेंगे। और ये सारे जने मिलके, ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये सारे जने मिलके मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं, ये कहते हैं केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए। इन्होंने 75 साल में सारे नेताओं ने, सारी पार्टी वालों ने मिलके केवल अपने घर भरे हैं, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। अगर मैं भी सत्ता में आने के बाद बदल जाता, आज भी आपके सामने वही केजरीवाल खड़ा है जो 10 साल पहले केजरीवाल था। इतना सा भी नहीं बदला मैं, उतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं जो पहले काम करते थे। ये सारी पार्टियां चाहती है केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए, ये चाहती है मैं भी अपना घर भी भरूं, थोड़ा मैं कमाऊं, थोड़ा इनको कमा के दूं, तो ये मेरी शक्तियां नहीं छीनते, तो ये मेरे खिलाफ नहीं होते। आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं बना। आज भी मैं देश की सेवा कर रहा हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं।
भाई साहब छोटे बच्चे होते थे हम, मास्टर पढ़ाया करता था कि दुनिया में तीन किस्म के देश होते हैं, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, जो अमीर देश होते हैं, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, और अविकसित देश, जो देश विकसित नहीं है। तो बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है, तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा, ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा? तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई साहब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आली, सारी पार्टियां चली गई, आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है। आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है, कब होएगा विकसित? 5-7 साल, ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला। दोस्तों मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में, 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था, आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है। पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है, दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से, मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब तक मैं ना देख लूं। और यहां जितने किसान भाई आए हैं उन सारे किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ठाडे रहना, चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम। अंत तक, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों मेरा दिल कहता है समय लग जाए लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इनका गरूर खत्म होगा। भारत